सब्सक्राइब करें अलका कश्यप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्रोशेट एंड निटिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्यूनिशियन स्टिच सीखेंगे। आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए अपडेट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए इस स्टिच की बात करते हैं। स्टिच से आप टेबल मैट या राउंड टेबल मैट या कैसे भी जो भी आप बनाना चाहें, स्वेटर या इससे थालपोश या ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, स्केयर बना सकते हैं इससे। ये देखिए, इसके लिए हम पहले ऊन लेंगे और इसमें जो क्रोशिये चलते हैं वो ये इस तरह के लंबे क्रोशिये चलते हैं। आमतौर पे हमारे पास क्रोशिये होते हैं उनमें ये बीच में ये यहाँ से इस तरह दबा हुआ होता है, लेकिन ये जो क्रोशिये हैं इनमें ये देखिए ये यहाँ से ऐसे नहीं है, ये प्लेन है। क्योंकि यदि हम बंद तो इन क्रोशियों से भी ये स्टिच जाएगा, लेकिन जब हम ज़्यादा स्टिच लेते हैं जैसे 10 से 15 या 20 फंदे तक लेते हैं इसमें, तो ये इसमें अड़ते हैं। तो इसलिए हमें इस तरह के प्लेन क्रोशिया लेना होता है और ये लंबा होता है। इसमें एक इस साइड से ऐसे बंद है और ये इधर से इसमें ये हुक है। ये मेरे पास ये देखिए ऐसे चार नंबर का है। तो आइए जी इससे हम बनाना देखते हैं इसको। और आप यदि देखेंगे तो मैंने इस ट्यूनिशियन स्टिच से एक सॉक्स बनाई हुई है। आप उनमें स्लीपर्स में सॉक्स वाले वीडियो में जाके इस स्टिच से देख सकते हैं। ये देखिए, पहले हम अपना क्रॉस लेंगे इस तरह से और इसमें हमने ये इस तरह डालना है और इसको हमने चेन बनानी है। पहले ये हम ऐसे खींच लिया हमने। अब हमारे पास ये 1 2 देखिए इसको कैसे करते हैं हम। ये चेन हमारी सिंपल तरीके से बनेगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे 10 हो गए। ये देखिए, चेन लेने के बाद हमने ये 10 चेन ली है इसमें। और अब मैं इसमें ये एक दूसरी लाइन शुरू हुई है इसकी सेकंड रो। अब मैंने इसके लिए एक चेन ले ली इस तरह से और अब मैं इसमें यहाँ से ऐसे निकालूँगी यहाँ से और इसको ये इस तरह एक हो गया हमारे पास ये। अब मैं इसमें दूसरे में से ऐसे ये हमारे पास 2 हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 3। अब आगे ऐसे इसमें से निकालते चले जाना है हमने ये इस तरह से ऐसे और ये वाला जो उंगली है हमारी इसको आप यहाँ पे रखें, आसानी से होता है ऐसे। आगे ये इस तरह, अब ये आगे इस तरह, ये जो हमारे हैं उसमें से हमने बस एक एक ये इस तरह से निकालते चले जाना है फंदा और ये हमारे पास ऐसे दिखाई देंगे। आप देखिए हमारे पास ये इस तरह से दिखाई दे रही है। ये हमारे पास एक चेन ली थी, 2 4 6 8 और 10, 10 हमने वैसे चेन ली, एक हमने दूसरी लाइन के नाम के लिए, ये इस तरह से हमारे पास आ गया, बन गया है। अब देखिए हमने क्या करना है इसके बाद। अब हम इसको यहीं से पकड़ के रखेंगे और हमने ऐसे लेना है, देखिए इस तरह से हमने इसको ऐसे पकड़ के रखना है और इसको हमने इस तरह से लेना है। ये हम यहाँ से एक निकाला हमने, अब हमने बल लिया और इसका हमने ये 2 का 1, फिर हमने बल लिया, फिर हमने 2 का 1, फिर हमने बल लिया ये 2 का 1 इस तरह से। ये देखिए ऐसे 2 का 1 सिंपल है बहुत। और ये ऐसे
देखिए इस तरह, और ये यहाँ से ऐसे, ये हमारे पास इस तरह से दिखाई देगी। देखिए अब हमने जो अगली रो बुननी है उसके लिए हमें, अब हमारी ये दूसरी रो स्टार्ट होएगी। इसमें हमने फिर से एक चेन लेंगे, देखिए इस तरह, ये इधर किंगरी बन रही है हमारी। अब हमने यहाँ से देखिए हमारे पास ऐसे है ये इस तरह। अब हम इसमें यहाँ से ऐसे दिखाते हैं, देखिए ये ऐसे, इसमें से हम यहाँ से लेंगे, ये देखिए यहाँ से, और फिर हमने यहाँ से यहाँ ये इसमें से हमने एक एक फंदा लेते जाना है, और उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले किया। अब हमने ये एक चेन ले ली, अब हम इसमें यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से लेंगे हम, और ये इस तरह। अब हम अगला लेंगे यहाँ से ये इस तरह। अब इससे आगे हमने इसमें ऐसे डालना है, इसको घुमाएंगे ऐसे, और ये इस तरह। अब ये यहाँ से देखिए ऐसे आराम से आता चला जाता है, देखिए किनारे पे आ गए हम इसमें। अब इसमें हम यहाँ से ले लेंगे ये वाला, ये इस तरह से, ये देखिए ये हमारे पास ऐसे दिखाई देगा। अब हमारे पास ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 11, ये टोटल 11 है हमारे पास। अब हमने यहाँ से इसमें ये बल लिया, और इसको हमने इस तरह, अब हमने अगला बल लिया, इसको हमने 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर देखिए 2 का 1, फिर इसी तरह से करते जाएंगे हम ऐसे, ये इस तरह, और यहाँ पे आके फिर से हमारा ये कंप्लीट हो गया, और ये हमारे इस तरह दिखाई देने लग गया। ये नीचे की एक बन गई हमारी। अब मैं फिर आपको एक चेन लेंगे हम। अब हमने देखिए ये चेन जो है हमने ये किनारे के साइड के लिए थोड़ा सा दिखने लग गया, देखिए। अब हमने यहाँ से फिर वही है, ये देखिए ये सारे इनमें से हमने लेना है, फंदा लेते हुए चलना है। तो पहले हमने इसमें से लेंगे और क्रोशे को इसमें डाला, और ये यहाँ से ऐसे, आप देखिए हमने फिर ये जो हमारा पोर्शन है इसमें से हमने ऐसे, और ये इस तरह, ये ऐसे, देखिए ये बनने लग गया, दिखाई देने लग गया हमारा थोड़ा सा यहाँ से, देखिए आगे फिर से वैसे, अभी यहाँ से, और ये इस तरह, ये देखिए ये हमारा फिर से आ गया ऐसे। और अब हमने यहाँ से फिर इसको एक इसमें से निकाल लेंगे हम ऐसे, और आगे हमने फिर वैसे 2 का 1, पहले हमने एक में से, फिर आगे हर एक में से करते चले जाने 2 का 1, 2 का 1, इस तरह से। बस हमने क्रोशिए को ही इधर उधर घुमाना है, ये देखिए ये हमारा ऐसे पूरी पट्टी बनती चली जाएगी। हम ये 11 के 11 ही रखेंगे, और ये इस तरह से बनता चला जाएगा। उम्मीद है आज आपको ये ट्यूनिशियन स्टिच समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।